हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मंथली करंट अफेयर्स। इस सीरीज़ में हम हर एक मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बना करेंगे इन करंट अफेयर्स से, उनको डिटेल में डिस्कस किया करेंगे। ये सीरीज़ दो पार्ट में कम्प्लीट होया करेगी एक मंथ के, यानी कि एक पार्ट आया करेगा 15 तारीख को और सेकेंड पार्ट आया करेगा 31 तारीख को। इन दोनों पार्ट में हम 100-100 एमसीक्यूज डिस्कस किया करेंगे डिटेल में। आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, जिसमें भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है, उस एग्ज़ाम में आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ही सीरीज से बाहर नहीं देखोगे। इसमें हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये सीरीज़ बाइलिंगुअल होता है, यानी कि जो स्क्रीन की भाषा होती है वो इंग्लिश होती है और उच्चारण हिंदी में होता है। आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से समझ सकते हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम 1 से 15 सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई हैं इस मंथ, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हैं श्रीकांत बल्दी। श्रीकांत बल्दी हैं, बने हैं ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बने हैं श्रीकांत बल्दी। उसके बाद यासिर अल रुमाया। यासिर अल रुमाया बने हैं चेयरमैन ऑफ सऊदी अरेमको कंपनी। एक कंपनी है सऊदी अरेमको कंपनी सऊदी अरेबिया की, इसके जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं यासिर अल रुमाया। उसके बाद शिल्पा शेट्टी बनी है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ केश किंग। केश किंग एक शैम्पू है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है शिल्पा शेट्टी। उसके बाद राकेश श्रीवास्तव। राकेश श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ निशान मोटर इंडिया के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बाला भास्कर। बाला भास्कर को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर टू नॉर्वे। इंडिया के एम्बेसडर बने हैं नॉर्वे में बाला भास्कर। उसके बाद एमएलए पोवदा अजय कुमार। अजय कुमार बने हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना बने हैं पोवदा अजय कुमार। उसके बाद विक्रमनाथ, जस्टिस विक्रमनाथ बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस विक्रमनाथ। उसके बाद राजीव कुमार। राजीव कुमार बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के लिए। उसके बाद लास्ट में हैं डॉक्टर पी के मिश्रा। डॉक्टर पी के मिश्रा बने हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम बने हैं डॉक्टर पी के मिश्रा। और देख लेते हैं दो और बचे हैं एंड्रयू स्टोरस। एंड्रयू स्टोरस बने हैं चेयरमैन ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं एंड्रयू स्टोरस। उसके बाद टाइगर श्रॉफ, ये बॉलीवुड एक्टर हैं, ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जैपनीज कंपनी है एक फुटवेयर कंपनी जिसका नाम है ASICS इंडिया। इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं टाइगर श्रॉफ। उसके बाद जो नए गवर्नर बने हैं चार, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर तामिली साई सौंदराजन। तामिली साई सौंदराजन बने हैं तेलंगाना के न्यू गवर्नर। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी बने हैं महाराष्ट्र के न्यू गवर्नर। उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान बने हैं केरला के न्यू गवर्नर। उसके बाद कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा बने हैं राजस्थान के न्यू गवर्नर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स हैं वो देख लेते हैं इन 15 दिन में कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय पोषण माह। राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है पूरे मंथ सितंबर के, इंटायर मंथ ऑफ सितंबर मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण माह। उसके बाद इसका थीम क्या रहा है, इसका थीम रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है 5 सितंबर को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को। 2019 का थीम क्या रहा है इंटरनेशनल लिटरेसी डे का, लिटरेसी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। लिटरेसी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। उसके बाद वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है 10 सितंबर को। नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी दिवस, ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट है ऑबिचुरी देख लेते हैं। ऑबिचुरी बोलते हैं जब किसी फेमस पर्सन की डेथ हो जाती है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑबिचुरी। इन 15 दिन में जो इंपॉर्टेंट ऑबिचुरी हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हैं दिलीप सत्तापति, ये एक जर्नलिस्ट हैं, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। उसके बाद अब्दुल कादिर पास्ड। अब्दुल कादिर एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, रिसेंटली पास्ड हुए हैं। उसके बाद वीरू कृष्णन। वीरू कृष्णन एक एक्टर हैं, रिसेंटली पास्ड हुए हैं। उसके बाद जेठमलानी। जेठमलानी फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं इंडिया के, रिसेंटली पास्ड हुए हैं। उसके बाद सुखदेव सिंह लिब्रा। सुखदेव सिंह लिब्रा जो हैं ये कांग्रेस के लीडर हैं, ये फतेहगढ़ साहिब से चुनाव लड़ते थे लोकसभा के, रिसेंटली पास्ड हुए हैं। उसके बाद किरण नगरकर। किरण नगरकर एक नॉवलिस्ट हैं, रिसेंटली पास्ड हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट और देख लेते हैं बचरुद्दीन यूसुफ।
बचरुद्दीन यूसुफ ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, थर्ड प्रेसिडेंट रिसेंटली पास हुए हैं। उसके बाद अकेल्सी पोहिवा रिसेंटली पास हुए हैं, ये कंपेनर है एक क्लाइमेट चेंज के, काफ़ी एक्टिव थे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए अकेल्सी पोहिवा। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं, कौन सी बुक लिखी गई हैं इन 15 दिन में। सबसे पहली बुक है हमारी इंडियाज लॉस्ट फ्रंटायर द स्टोरी ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इसको लिखा है रघुवेंद्र सिंह ने ये बुक लिखी है। इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखिए इंडिया लॉस्ट फ्रंटायर दैट सेट, इसको लिखा है रघुवेंद्र सिंह ने। उसके बाद फुल प्रूफ इंडिया फ्लावर्स, इतना भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना याद रखिए इंडिया फुल फ्लावर्स, फुल प्रूफ इंडिया फ्लावर्स, इसको लिखा है जेलम विश्वास बोस ने। उसके बाद फॉर्च्यून टर्नर्स को लिखा है आदित्य भूषण ने, इसका भी बस इतना याद रखिए आप, फॉर्च्यून टर्नर्स, इसको लिखा है आदित्य भूषण ने। अब लौटते हैं हम MCQ फॉर्मेट में, कौन सी कंपनी है जिसको बेस्ट नवरत्न अवार्ड मिला है, जो अभी अभी दिया गया है PSU अवार्ड्स द्वारा 2019 में, ये मिला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा ए ऑप्शन HPCL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसका कारण है क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं। द कैपिटल ऑफ विच कंट्री विल बी रेलोकेटेड टू द प्रोविंस ऑफ ईस्ट कालीमंटम ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो, ये रेलोकेट की जाएगी इंडोनेशिया की कैपिटल, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा बी ऑप्शन इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वन द अंडर 14 बॉयज चैंपियनशिप ऑफ सुबर्तो कप, 2019 का जो सुबर्तो कप हुआ है इसको किसने जीता है, इसको जीता है सैदान सेकेंडरी स्कूल ऑफ मिजोरम, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन सैदान सेकेंडरी स्कूल ऑफ मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द RBL बैंक एंड सैमसंग इंडिया अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ सैमसंग पे फॉर RBL बैंक्स क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, RBL बैंक और सैमसंग इंडिया मिलकर एक सैमसंग पे बना रहे हैं, कौन सा क्रेडिट होल्डर है जो इनका पार्टनर है, ये है मास्टर कार्ड, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन नेशनल टू कंप्लीट द ला अल्ट्रा द हाई मैराथन, फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है ला अल्ट्रा हाई मैराथन, ये बने हैं आशीष कासोदेकर, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन आशीष कासोदेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, यूनियन HRD मिनिस्टर और रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन फॉर स्कूल एजुकेशन रिसेंटली, रमेश पोखरियाल निशंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन, ये कौन सा है, ये है शगुन, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन शगुन, रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय ऑल गर्ल टीम, सारी की सारी गर्ल टीम है, इन्होंने एक मोबाइल ऐप डेवलप की है जिसका नाम है टेक विचेस, यानी कि जो गर्ल की टीम है उसका नाम है टेक विचेस, इन्होंने एक ऐप डेवलप की है जिसे जो ऑर्फनेज हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा अपने फादर मदर के साथ यानी कि सीनियर सिटीजन के साथ, इसका नाम है मैत्री, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा सी ऑप्शन मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ नंबर क्वेश्चन, द डैश एरोस्पेस मेजर बोइंग डिलीवर्ड द 11th C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू द इंडियन एयरफोर्स बूस्टिंग इट्स स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज इन अगस्त 2019, कौन सी कंपनी है जो इंडिया को C-17 ग्लोब मास्टर जो ट्रांसपोर्ट के लिए एयरक्राफ्ट यूज़ होगा वो सौंपेगी, इन्होंने बताया हुआ है कौन सी कंपनी है, ये बोइंग, ये किस कंट्री की कंपनी है, ये है अमेरिकन कंपनी, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन अमेरिका, अमेरिका की कैपिटल है Washington DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन, इन फुटबॉल विच कंट्री लिफ्टेड द सैफ अंडर 15 इन अगस्त 2019, फुटबॉल का सैफ कप हुआ है जो 2019 में, उसको किसने जीता है, इसको जीता है इंडिया ने, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन इंडिया ने ही ये होस्ट किया है वेस्ट बंगाल में, इंडिया ने हराया है नेपाल को फाइनल में, ये भी याद रखिए कई बार पूछ लेते हैं किसको हराया है इंडिया ने, इसका आंसर होगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, विच मूवी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म टू गो प्लास्टिक फ्री, कौन सी फर्स्ट बॉलीवुड मूवी बनी है जो फर्स्ट प्लास्टिक फ्री मूवी बनी है, ये मूवी है कुली नंबर वन, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन कुली नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन, इन विच सिटी इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड टू होस्ट द 4th जनरल असेंबली ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज इन सितंबर 2019, एक 4th जनरल असेंबली एसोसिएशन होगी, कौन सी सिटी है होस्ट करेगी, इसको होस्ट करेगी बेंगलुरु, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट द डेसर्टिफिकेशन कॉप 14 स्टार्ट इन सितंबर 2019, कॉप 14 मीटिंग को कौन सी सिटी होस्ट करेगी, इसको होस्ट करेगी डी ऑप्शन ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा है उत्तर प्रदेश में, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन ग्रेटर नोएडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन द सिल्वर मेडल इन द शॉर्ट पुट इवेंट ड्यूरिंग एन एथलेटिक मीट इन डेकिन इन द कजाक रिपब्लिक इन 2019। किसने एक सिल्वर मेडल जीता है जो शॉर्ट पुट का इवेंट हुआ है रिसेंटली कजाक रिपब्लिक में 2019 में, इसको जीता है तेजेंद्र पाल तूर ने, इसलिए हमारे आंसर बनेगा ए ऑप्शन तेजेंद्र पाल सिंह तूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ वन गोल्ड इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल एट द ISSF वर्ल्ड कप एट रियो दी जनेरियो। ISSF वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें जो वुमेन का कप हुआ है 10 मीटर एयर पिस्टल में, किसने गोल्ड मेडल जीता है, जो ब्राज़ील की एक सिटी है जिसका नाम है रियो दी जनेरियो, इसने होस्ट किया है, ये गोल्ड मेडल जीता है यशविनी सिंह देसवाल ने, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन यशविनी सिंह देसवाल। और एक क्वेश्चन और याद रखना है आपने, इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं और इंडिया किस प्लेस पर रहा है। इंडिया ने टोटल मेडल जीते हैं 5 और इंडिया रहा है टॉप प्लेस पर, यानी कि इंडिया का रैंक है फर्स्ट। 9 मेडल जीते हैं इंडिया ने, जिसमें 5 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15th नंबर क्वेश्चन, इन विच स्टेट वाज द कंट्रीज लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल इनॉग्रेटेड। कंट्री का लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, ये इनॉग्रेट हुआ है आंध्र प्रदेश में, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का दोनों का कॉमन हाईकोर्ट था, बट आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली अपना न्यू हाईकोर्ट बनाया है अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द 4000th रेलवे स्टेशन इन द कंट्री टू हैव फ्री पब्लिक वाईफाई। 4000 में रेलवे स्टेशन कौन सा बना है जिसने फ्री वाईफाई पब्लिक को प्रोवाइड की है, ये रेलवे स्टेशन है तिनसुकिया जंक्शन, ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन तिनसुकिया जंक्शन। और कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17th नंबर क्वेश्चन, हु वाज फेलिकेटेड बाय द इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन इन अगस्त 2019। इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन के द्वारा किसको सम्मानित किया गया है अगस्त 2019 में, ये सम्मानित किया गया है एस भास्करन को, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन एस भास्करन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ वन गोल्ड फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप रिसेंटली। किसने जीता है फर्स्ट एवर फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप, ये जीता है चार्ल्स लेक्लेर्क ने, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन चार्ल्स लेक्लेर्क। ये ड्राइवर हैं फरारी के, इन्होंने फर्स्ट एवर ये जीता है जो फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप हुई है चार्ल्स लेक्लेर्क ने। एक इन्होंने और जीती है रिसेंटली, दो हुई हैं, एक हुई थी 1 तारीख को, एक हुई थी 7 तारीख को, दोनों जीती हैं चार्ल्स लेक्लेर्क ने। एक और है इटालियन, इसको भी जीता है चार्ल्स लेक्लेर्क ने। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिए। और ये कौन सी कार चलाते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ये चलाते हैं फरारी कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, हु बैटेड हिज ऑन 1500 मैट नेशनल रिकॉर्ड वाइल क्लिंचिंग अ सिल्वर इन द आई स्टैफ बर्लिन इवेंट इन सितंबर 2019। किसने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है 1500 मीटर का, जो नेशनल रिकॉर्ड था इनका, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है जो आई स्टैफ का बर्लिन में एक चैंपियनशिप हुई है, ये हैं जिनसन जॉनसन, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन जिनसन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20th नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द गरवी गुजरात भवन सितंबर 2019। गरवी गुजरात भवन रिसेंटली इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने, कहां पर इनॉग्रेट किया है, ये इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के कैपिटल है इंडिया की, और जो चीफ मिनिस्टर हैं न्यू दिल्ली के वो हैं अरविंद केजरीवाल, और जो गवर्नर हैं उनका नाम है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 5th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF समिट। रिसेंटली 5th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की समिट हुई है, इसको किसने होस्ट किया है, इसको होस्ट किया है रशिया ने, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन रशिया। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, और जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट अ मेडल इन द वर्ल्ड स्किल्स इवेंट रिसेंटली हेल्ड इन रशिया। जो वर्ल्ड स्किल्स इवेंट हुआ है रशिया में रिसेंटली, इसको किसने जीता है, इसको जीता है श्वेता रत्नपुरा ने, इसलिए हमारे आंसर बनेगा बी ऑप्शन श्वेता रत्नपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली ओयो होटल्स एंड होम्स हैज एक्वायर्ड डैश अ कॉपेनहेगन बेस्ड डाटा साइंस कंपनी। रिसेंटली एक ओयो कंपनी है, इसने किसको एक्वायर किया है, ये एक साइंस की कंपनी है, ये कंपनी है डायनामिका, इसको एक्वायर किया है, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन डायनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस विल बी नेम्ड आफ्टर गुरु नानक देव जी।
कौन सा रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान का जिसका नाम चेंज किया जाएगा, उनका नाम रखा जाएगा गुरु नानक देव जी के नाम पे। ये रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान का ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन, ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड द फोर्थ साउथ एशियन स्पीकर्स समिट किक ऑफ इन सितंबर 2019। जो फोर्थ साउथ एशियन स्पीकर समिट होगी ये कहाँ पर होगी, ये होगी मालदीव्स में, इसलिए हमारे आंसर बनेगा ए ऑप्शन मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल क्या है, माले, और जो प्रेजिडेंट है मालदीव्स के उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोले, इब्राहिम मोहम्मद सोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन लॉन्च फर्स्ट एवर टेराकोटा ग्राइंडर, ये लॉन्च किया गया है, इनोग्रेट हुआ है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है वाराणसी, यहाँ पर लॉन्च किया गया है फर्स्ट एवर टेराकोटा ग्राइंडर, इसलिए हमारा आंसर बनेगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, पीएम मोदी विल बी कन्फर्ड विद द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर पीएम्स एम्बिशियस पेट प्रोजेक्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है बाय द मेलिंडा एंड मेलिंडा गेट्स द्वारा, ये प्राइम मिनिस्टर जी का कौन सा मिशन है जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है, ये है स्वच्छ भारत अभियान, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, वेयर विल द ज्वाइंट नेवल एनुअल क्वालिटी कॉन्क्लेव वी होस्टेड इन सितंबर 2019, जो ज्वाइंट नेवल एनुअल क्वालिटी कॉन्क्लेव होगा इसको कौन होस्ट करेगा, कौन सी सिटी होस्ट करेगी, इसको होस्ट करेगी विशाखापट्टनम, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर हर्षवर्धन एड्रेसल द 72nd सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कमेटी फॉर द साउथ ईस्ट एशिया ऑन सितंबर 2019, ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं इन्होंने 72nd जो सेशन होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कमेटी का इसको कहाँ पर होस्ट करेंगे, ये होस्ट होगा न्यू दिल्ली में, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, ऑन सितंबर 2019 इंडिया बीट डैश बाय 250 रन इन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इंडिया ने किसको हराया है 2 सितंबर 2019 को, जो आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हुई है रिसेंटली, इसमें इंडिया ने हराया है वेस्ट इंडीज़ को, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, हु अज्यूम्ड चेयरमैनशिप ऑफ एसोसिएशन वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज फॉर द टर्म 2019-21, किसको अज्यूम चेयरमैनशिप का भार दिया गया है एसोसिएशन वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ का, ये दिया गया है सुनील अरोड़ा को, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन सुनील अरोड़ा। जो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है सुनील अरोड़ा, इनके दो जो सहायक हैं यानी कि दो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है, एक का तो नाम है सुशील चंद्र, एक का नाम है अशोक लवासा, ये दोनों इनकी सहायता के लिए हैं यानी कि इलेक्शन कमिश्नर हैं दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, इन सितंबर 2019 हु हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम T20 इंटरनेशनल, किसने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है रिसेंटली सितंबर 2019 में T20 इंटरनेशनल से, ये अनाउंस किया है मिथाली राज ने, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन मिथाली राज ने रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली अ टास्क फोर्स सेटअप बाय द RBI सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉर्पोरेट लोन्स, इस टास्क फोर्स को कौन सा जो लीडर है जो इसको हेड करेगा, इसको हेड करेंगे TN मनोहरन, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन TN मनोहरन। ये एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई गई है जिसमें ये चेक करेंगे सेकेंडरी मार्केट को हम कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ साइंड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद जैपनीज एनर्जी मेजर जापान एनर्जी न्यू एरा, कौन सी जो कंपनी है इंडिया की जिसने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, जापानीज़ की एक कंपनी है जिसका नाम है न्यू एरा, ये कंपनी है रिलायंस पावर, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन रिलायंस पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, विद विच कंट्री विल इंडिया कंडक्ट एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2019, इंडिया किस कंट्री के साथ युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज करता है, इंडिया करता है USA के साथ, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, इंडिया विल हैव इट्स ऑन पेविलियन कॉल्ड डैश विद द सपोर्ट ऑफ रेस्को ग्रेस फाउंडेशन एट द 5th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इंडिया का कौन सा जो पेविलियन है जो सपोर्ट करेगा रेस्को ग्रेस फाउंडेशन को 5th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में, ये है इंडिया लॉन्स, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन इंडिया लॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन द बेस्ट स्वच्छ इकोनॉमिक प्लेस अवार्ड फॉर 2019 टॉपिंग द चार्ट्स इन द क्लीनलाइनेस, ये अवार्ड किसको मिला है, ये बेस्ट स्वच्छ इकोनॉमिक प्लेस अवार्ड है 2019 का, ये मिला है छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, बाय द एंड ऑफ 2019 विच स्टेट्स विल स्टार्ट वर्क ऑन अ मेडिकल यूनिवर्सिटी इन अ मेमोरी ऑफ पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सी स्टेट है जो वर्क स्टार्ट करेगी सितंबर 2019 के एंड में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी पे काम करेंगे, ये स्टेट है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यूपी, ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए काम स्टार्ट करेंगे बाय द एंड ऑफ 2019। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, इन टेबल टेनिस विच कंट्री हैज़ वन द एशियन जूनियर एंड कैडेट चैंपियनशिप हेल्ड इन उलन बतौर मंगोलिया। रिसेंटली एशियन जूनियर एंड कैडेट चैंपियनशिप हुई है उलन बतौर मंगोलिया में, इसको किसने जीता है, इसको जीता है चाइना ने, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड द सीबीआई डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला इनॉग्रेट फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर फोरेंसिक इन सितंबर 2019। जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला, इन्होंने एक फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की है, कहाँ पर, सितंबर 2019 में ये इनॉग्रेट हुई है, न्यू दिल्ली में, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली डैश हैज स्टार्टेड द एयर शटल सर्विस बिटवीन हिसार एंड चंडीगढ़ अंडर उड़ान स्कीम। कौन सी कंपनी है एयरक्राफ्ट की जिसने स्टार्ट किया है एयर शटल सर्विस स्टार्ट की है हिसार और चंडीगढ़ के बीच उड़ान स्कीम के तहत, ये कंपनी है उड़ान, सॉरी ये कंपनी है स्पाइस जेट। इन्होंने पूछा है कौन सी एयरक्राफ्ट की कंपनी है, ये है स्पाइस जेट, इन्होंने एयर शटल स्टार्ट किया है बिटवीन हिसार एंड चंडीगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एडजस्ट एज द बेस्ट इकोनॉमिक प्लेस इन द कंट्री इन द स्वच्छ इकोनॉमिक प्लेस इन 2019। बेस्ट इकोनॉमिक प्लेस किसे माना गया है 2019 का, जो स्वच्छ इकोनॉमिक प्लेस आया है, रिपोर्ट आई है, बेस्ट इकोनॉमिक प्लेस है वैष्णो देवी टेम्पल, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन वैष्णो देवी श्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, डैश वुमेन हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू एवर रिसीव एन आईपीएस कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। कौन सी वुमेन है, किस कंट्री की वुमेन है जो फर्स्ट पर्सन बनी है जिन्होंने रिसीव किया है आईपीएस कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, ये वुमेन है जैपनीज वुमेन, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन जैपनीज वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी विल मीट इन डैश टू डिस्कस देयर प्लान प्लैनेटरी डिफेंस अगेंस्ट एस्ट्रॉइड्स। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहां पर मीटिंग अप की है जिसमें इन्होंने डिस्कस किया है प्लान फॉर देयर प्लैनेटरी डिफेंस अगेंस्ट एस्ट्रॉइड्स, ये मीटिंग हुई है रोम में, इटली की कैपिटल रोम में, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, इंडिया सेट अ डील विद विच कंट्री टू एक्वायर मैरीटाइम एयरक्राफ्ट फॉर एड इट्स सर्वाइवलेंस इन इंडियन ओशियन रीजन। इंडिया ने एक डील सेटअप की है, साइन की है टू एक्वायर मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, ये मैरीटाइम एयरक्राफ्ट हैं, इनको एक्वायर करेंगे किस कंट्री से ताकि हमारी जो सर्वाइवलेंस है इंडियन ओशियन रीजन में बढ़ सके, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें सबसे पहले पता लगे, ये इंडिया ने डील साइन की है यूएसए के साथ, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया सरपास्ट डैश टू मूव इनटू द लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ टोटल गोल्ड रिजर्व। इंडिया ने किस कंट्री को पास किया है और टॉप 10 में आ गया है जिनके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है, इंडिया ने पास किया है नीदरलैंड को, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ कॉन्फर्ड द लैंप ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस अवार्ड बाय द वेटिकन सोसाइटी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग पीस एंड हारमोनी। वेटिकन सोसाइटी ने एक अवार्ड दिया है लैंप ऑफ पीस सेंट फ्रांसिस, ये किसको मिला है, फॉर पीस एंड हारमोनी, इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया है पीस के रिकॉर्डिंग, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है, ये अवार्ड मिला है मोहम्मद यूनू को, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन मोहम्मद यूनू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर टेस्ट कैप्टन। कौन बने हैं फर्स्ट एवर यंगेस्ट टेस्ट कैप्टन, सबसे यंगेस्ट हैं ये बने हैं रिशद खान, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन रिशद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, इंडिया अनाउंस द लाइन ऑफ क्रेडिट LOC वर्थ डैश डॉलर्स फॉर द डेवलपमेंट फॉर द फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया इन सितंबर 2019। इंडिया ने एक LOC अनाउंस की है जिसमें ये जो रशिया का ईस्ट रीजन है इसको डेवलप करेंगे, कितने डॉलर की डील साइन हुई है, ये साइन हुई है $1 बिलियन की, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन $1 बिलियन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखना है ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट डैश इंडस्ट्रियल सिटी एंड एड्रेस द वुमेन सेल्फ ग्रुप्स। पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट इंडस्ट्रियल सिटी एंड एड्रेस फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? पीएम मोदी ने ये इनॉग्रेट किया है औरंगाबाद में, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन। वेयर डिड द थर्ड ऑफ टॉक्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन द करतारपुर कॉरिडोर कंक्लूड इन 2019? थर्ड मीटिंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया की रिगार्डिंग करतारपुर कॉरिडोर, कहाँ पर हुई है ये मीटिंग? हुई है अमृतसर में, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट एंड डेलावेयर स्टेट ऑफ अमेरिका हैव साइंड एन MOU फॉर सिस्टर स्टेट? कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसने एक सिस्टर स्टेट का एग्रीमेंट साइन किया है? डेलावेयर स्टेट है USA की, कौन सी स्टेट है ये इंडिया की? ये इंडिया की स्टेट है गुजरात, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के उनका नाम है विजय रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। सीनियर डिप्लोमेट वी बाला भास्कर वाज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंडिया एम्बेसडर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सीनियर डिप्लोमेट हैं वी बाला भास्कर, इनको इंडिया के किस कंट्री के एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? ये बने हैं नॉर्वे के, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, ओस्लो कैपिटल है नॉर्वे की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल याद रखना है। बाला भास्कर बने हैं नॉर्वे के इंडिया के एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। हु इनॉग्रेटेड द इंडिया पेवेलियन एट द 44th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019? जो 44th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है इसको किसने इनॉग्रेट किया है? इसको इनॉग्रेट किया है विकास स्वरूप ने, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन विकास स्वरूप। ये इंडिया के एम्बेसडर हैं कैनेडा में, इसलिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इंडिया के एम्बेसडर कौन है कैनेडा में, उनका नाम है विकास स्वरूप। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैनेडा की कैपिटल है ओटावा और जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के उनका नाम है जस्टिन ट्रूडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एज पर द ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? इंडिया का रैंक क्या आया है जो ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया रिसेंटली? ये इंडिया का रैंक आया है 34th, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन 34th। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है टॉप किसने किया है? टॉप किया है स्पेन, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए, किसी ना किसी एग्जाम में आप ये क्वेश्चन जरूर देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन। विच स्टेट्स डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़ वन द IT एक्सीलेंस अवार्ड रिसेंटली? कौन सी स्टेट है जिसने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक IT एक्सीलेंस अवार्ड रिसीव किया है रिसेंटली? ये स्टेट है उड़ीसा स्टेट, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और जो चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के उनका नाम है नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। 7th RCEP मीटिंग जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, कहाँ पर हुई है ये 7th मीटिंग हुई है? इसको होस्ट किया है बैंकॉक ने, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक ने होस्ट किया है 7th RCEP मीटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58th नंबर क्वेश्चन। ऑस्कर्स ऑफ साइंस वाज अवार्डेड टू द टीम ऑफ विच टेलीस्कोप? ऑस्कर्स ऑफ साइंस ने किस टीम को अवार्ड दिया है? कौन सा टेलीस्कोप है जिसके लिए इन्होंने अवार्ड मिला है इनको? ये टेलीस्कोप है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप को ये अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि इस टेलीस्कोप ने सबसे पहले ब्लैक होल की जो इमेज थी वो कैप्चर की थी, इसलिए इसको ये अवार्ड मिला है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप को। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक विल प्रोवाइड अ लोन ऑफ ₹6,000 करोड़ टू विच स्टेट फॉर वेरियस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? न्यू डेवलपमेंट बैंक किस स्टेट को 6,000 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड करेगा फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए? ये स्टेट है इंडिया की आंध्र प्रदेश स्टेट, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। द कनेक्शन ऑफ विक्रम लैंडर वाज लॉस्ट व्हेन इट वाज डैश किलोमीटर अवे फ्रॉम मून सरफेस? जो विक्रम लैंडर है इसका आपस में कनेक्शन टूट गया था, ये कितने किलोमीटर मून से दूर था जब इसका कनेक्शन टूट गया था? ये मून से दूर था 2.1 किलोमीटर, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन 2.1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। द आर्म्ड फोर्सेज एक्ट ऑफ स्पा जो स्पेशल प्रिवेंशन एक्ट होता है, ये एक्सटेंड हुआ है असम में कितने मंथ के लिए? ये असम में मंथ में 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है, अफसपा बोलते हैं इन शॉर्ट इसको, 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है इसका पीरियड।
यानी कि अब असम में 6 महीने और अफ्सपा लगा रहेगा, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा ए ऑप्शन 6 मंथ 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ तेलंगाना वाज इनोग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो फर्स्ट मेगा फूड पार्क है तेलंगाना का, ये कहाँ पर इनोग्रेट हुआ है? ये इनोग्रेट हुआ है निज़ामाबाद में, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा बी ऑप्शन निज़ामाबाद। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, बट ये इनोग्रेट हुआ है निज़ामाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन, द कंट्री हैज़ अप्रूव्ड एन अमाउंट ऑफ 350 करोड़ फॉर 9th फेज ऑफ विच कम्युनिटीज रिपेट्रिएशन। कौन सी जो कम्युनिटी है जिसके लिए 350 करोड़ रुपये का फंड अप्रूव किया गया है 9th फेज के लिए, ये कौन सी कम्युनिटी है जिसको रिपेट्रिएशन किया जाएगा? ये कम्युनिटी है ब्रू कम्युनिटी, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन ब्रू कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग फ्लैग्ड ऑफ आ जलदूत वहीकल इन। जो इन्वायरमेंट एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने फ्लैग्ड ऑफ किया है यानी कि हरी झंडी दिखाई है जलदूत वहीकल को, कहाँ पर इनोग्रेट किया है? ये फ्लैग्ड ऑफ हुआ है पुणे में, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा डी ऑप्शन पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन, फोर्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2019 वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच कंट्री। जो फोर्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है 2019 की, किस कंट्री ने होस्ट किया है? इसको होस्ट किया है मालदीव्स में, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा ए ऑप्शन मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल है माले और जो प्रेजिडेंट हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को हैज़ टाइड अप विद विच स्टेट टू प्रमोट स्टेट्स इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। जो स्टेट की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं उनको प्रमोट करेगा यूनेस्को ने, किसके साथ? जो कौन सी स्टेट है जिसके साथ यूनेस्को ने ये टाई अप किया है? ये स्टेट है राजस्थान, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, वेयर विल द 22nd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन फेब 2020। कौन सी सिटी है इंडिया की जो होस्ट करेगी 22nd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो? इसको होस्ट करेगा कोच्ची, ये एक सिटी है केरला की, ये होस्ट करेगी 22nd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो को, जो फरवरी 2020 में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल याद रखना है ये क्वेश्चन, कोच्ची में होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द एम्बिशियस ई असेसमेंट स्कीम ऑल्सो कॉल्ड डैश असेसमेंट फॉर इनकम टैक्स पेयर्स। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है फॉर एम्बिशियस ई असेसमेंट स्कीम। इसका और क्या नाम है इस असेसमेंट स्कीम का? एक तो नाम है ई असेसमेंट स्कीम, इसका और क्या नाम है? इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है फेसलेस, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा डी ऑप्शन फेसलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, इन सितंबर 2019 इडई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रिव्यू इट्स 3-year-old गाइडलाइंस ऑन ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस, द पैनल हेडेड बाय हुम। जो इडई ने डिसाइड किया है 3 साल की ओल्ड गाइडलाइंस को, जो क्रेडिट पर गाइडलाइंस हैं उनको रिव्यू किया जाएगा, यानी कि उनके चेंज किया जाएगा, न्यू लाई जाएंगी, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज किया जाएगा उनमें। इस पैनल को किसने हेड किया है? इसको हेड किया है अतुल सहाय ने, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा ए ऑप्शन अतुल सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, द समुद्रयान प्रोजेक्ट प्रपोजेज टू सेंड अ सबमर्सिबल व्हीकल विद डैश पर्संस टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 6,000 मीटर्स टू कैरी आउट डीप अंडर वाटर स्टडीज। समुद्रयान जो समुद्र की निरीक्षा करेंगे 6,000 मीटर में क्या कुछ है, सारा कुछ अंडर वाटर जो डीप है उसकी स्टडी की जाएगी समुद्रयान मिशन में। इस व्हीकल में टोटल कितने पर्सन गए हैं? इसमें गए हैं 3 पर्सन, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा बी ऑप्शन 3 पर्सन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज द 68th प्लेनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ईस्टर्न काउंसिल हेल्ड। जो 68th प्लेनरी सेशन हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कहाँ हुआ है? ये हुआ है गुवाहाटी में, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा सी ऑप्शन गुवाहाटी। गुवाहाटी लोकेटेड है आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैंक ऑफ इंडिया इन मेंस हॉकी टीम इन द FIH रैंकिंग रिलीज इन सितंबर 2019। जो FIH की रैंकिंग आई है, इंडिया का क्या रैंक आया हुआ है जो इंडिया की मेंस हॉकी टीम है, इसमें इंडिया का रैंक है 5th, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा डी ऑप्शन 5th रैंक है इंडिया का। इसको रिलीज किया है FIH रैंकिंग ने, FIH फेडरेशन ऑफ हॉकी, इसने रिलीज की है FIH रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, वेयर हैज़ द फर्स्ट एवर पब्लिक इन्फॉर्मेशन पोर्टल जन सूचना पोर्टल 2019 लॉन्च्ड रिसेंटली। किस स्टेट में लॉन्च की गई है फर्स्ट एवर पब्लिक इन्फॉर्मेशन पोर्टल जन सूचना पोर्टल 2019 में रिसेंटली लॉन्च की गई है? इसको लॉन्च किया गया है राजस्थान में, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा ए ऑप्शन राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और जो CM है राजस्थान के उनका नाम है अशोक गहलोत, और जो
डेप्यूटी सीएम है, उनका नाम है सचिन पायलट, सचिन पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन। रिसेंटली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इम्बार्क्ड ऑन एन ऑफिशियल 9 डे विजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है इंडिया के रामनाथ कोविंद, 40th प्रेसिडेंट है ये जो इंडिया के हैं, 14th प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, ये तीन देशों के दौरे पर निकले हैं। इनकी टोटल 9 दिन विजिट ये रहेगी, ऑफिशियल विजिट रहेगी 9 दिन। कौन कौन सी कंट्री में गए हैं ये? ये गए हैं आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया, यानी कि इसका राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। वेयर डिड द 24th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कमर्स हेल्ड। 24th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कमर्स हुई है, इसको किस कंट्री ने होस्ट किया है? इसको होस्ट किया है आबू धाबी ने। आबू धाबी है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल है आबू धाबी। इसने होस्ट किया है 24th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कमर्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन। वेयर वाज द 25th एशियन जूनियर एंड कैडेट टेबल चैंपियनशिप हेल्ड। कहाँ पर हुई है 25th एशियन जूनियर चैंपियनशिप हुई है जो टेनिस की हुई है, इसको होस्ट किया है मंगोलिया ने, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल उलन बतौर है और जो करेंसी है मंगोलिया की वो है टोगरोग, टोगरोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन। इन टेनिस हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द यूएस ओपन मेंस कैटेगरी। मेंस कैटेगरी में सिंगल्स किसने जीता है यूएस ओपन का? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खिताब होता है यूएस ओपन, इसको जीता है रफाल नडाल ने, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन रफाल नडाल। ये हैं स्पेन के, इनकी कंट्री पूछा जाए अगर उसका आंसर होगा स्पेन, यानी कि ये स्पेन कंट्री से बिलोंग करते हैं। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है और जो वुमेंस कैटेगरी में जीता है उसका आंसर होगा बियांका एंड्रेस्कू। बियांका एंड्रेस्कू ने जीता है वुमेंस कैटेगरी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आप इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर देखोगे। वुमेंस कैटेगरी में जीता है बियांका एंड्रेस्कू ने और मेंस कैटेगरी में जीता है रफाल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन। विच फिल्म हैज़ वन द गोल्डन लायन अवार्ड एट द 76th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जो 76th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है इसमें गोल्डन लायन अवार्ड किसने जीता है? कौन सी मूवी है ये? ये मूवी है जोकर मूवी, इसलिए हमारे आंसर बनेगा बी ऑप्शन जोकर मूवी, इसने जीता है गोल्डन लायन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन। विद विच कंट्री हैड इंडिया साइंड अ $5.4 बिलियन डील फॉर द परचेज ऑफ S-400 सिस्टम मिसाइल्स। जो 400 मिसाइल सिस्टम है ये इंडिया किस कंट्री से परचेज करेगा? ये इंडिया परचेज करेगा रशिया से, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन रशिया। ये डील हुई है $5.4 बिलियन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए $4.43 बिलियन की ये डील हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ PTI प्रेस ट्रस्टी ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन इलेक्ट हुए हैं? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं विजय कुमार चोपड़ा। विजय कुमार चोपड़ा बने हैं चेयरमैन ऑफ PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन September 2019। माइक्रोसॉफ्ट ने किसको मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए? ये अपॉइंट हुए हैं राजीव कुमार, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन। द गवर्नमेंट अनाउंस द रोल आउट ऑफ आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सर्विसेज बाई। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया है, कौन सा बैंक है ये? इसको स्टार्ट किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगर पूछा है इंडिया का ओनली और ओनली एक सरकारी पेमेंट बैंक है उसका क्या नाम है, उसका नाम है अगेन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगर पूछा है इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा है, उसका नाम होगा एयरटेल। एयरटेल पेमेंट बैंक है इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक है जी। अगर पूछा जाए सरकारी कौन सा है तो उसका आंसर होगा इंडिया पोस्ट। अगर पूछा जाए फर्स्ट कौन सा होगा उसका आंसर होगा एयरटेल। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको बिल्कुल याद रखने हैं ये क्वेश्चन दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन। द फर्स्ट ट्रांसलेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन फ्रॉम इंडिया कनेक्ट्स इंडिया टू। जो फर्स्ट ट्रांसलेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन है ये इंडिया कनेक्ट करेगा, इंडिया से कहाँ पर जाएगी ये पाइपलाइन? ये इंडिया कनेक्ट होगी इंडिया और नेपाल के बीच, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और जो प्रेसिडेंट है यहाँ की वो है विद्या देवी भंडारी और जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है के पी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन। वेयर हैज़ द 26th सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप किक्ड ऑफ इन September 2019।
25th सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप फुटबॉल का चैंपियनशिप कहाँ पर होगा? ये होगा अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन मिलिट्री मेडिसिन फॉर मेंबर नेशंस ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन सितंबर 2019। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन मिलिट्री मेडिसिन फॉर SCO की जो मेंबर मीटिंग होगी, मिलिट्री के रिगार्डिंग ये मीटिंग होगी, ये होगी इंडिया में, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा ए ऑप्शन, इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल याद रखना है। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बीजिंग। बीजिंग लोकेटेड है चाइना में, चाइना की कैपिटल ही है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन, PM मोदी विल लॉन्च किसान मानधन योजना इन विच अ मिनिमम पेंशन ऑफ ₹20 पर मंथ विल बी प्रोवाइडेड टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु क्रॉस्ड द एज ऑफ 60। PM मोदी ने लॉन्च किया है एक किसान मानधन योजना, इसमें कितना प्रीमियम मिलेगा, मंथली प्रीमियम है ये, किस एज ग्रुप को मिलेगा, ये मिलेगा 60 साल से जो अबव हो चुके हैं उनको मिलेगा। कितनी अमाउंट है ये मिलेगी, ये पर मंथ मिलेगी ₹3,000 पर मंथ, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, ₹3,000 पर मंथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल याद रखना है। किसान मानधन योजना ये लॉन्च की गई है PM मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट साइंड एंड $200 million लोन इन सितंबर 2019 विच विल बी यूज टू अपग्रेड रूरल रोड्स टू ऑल वेदर स्टैंडर्ड्स इन 34 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट। एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डील साइन हुई है, ये कौन सी स्टेट है जिसके लिए ये डील साइन हुई है $200 million की, ये अपग्रेड करेंगे जो रूरल रोड्स वगैरह हैं उनको डेवलप करेंगे, उनको अपग्रेड करेंगे, ये स्टेट है इंडिया की सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और जो चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड PM मोदी लॉन्च स्वच्छता ही सेवा रिसेंटली? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है स्वच्छता ही सेवा रिसेंटली, कहाँ पर लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है मथुरा उत्तर प्रदेश में, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा डी ऑप्शन, मथुरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन, DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टर इंडिजीनियसली डेवलप्ड लो वेट फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इन विच स्टेट रिसेंटली? DRDO ने रिसेंटली टेस्ट फायर किया है एक मिसाइल सिस्टम का जिसका नाम है मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। इसको कहाँ से लॉन्च किया है, यानी कि टेस्ट फायर किया है, इसको टेस्ट फायर किया है आंध्र प्रदेश से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा ए ऑप्शन, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। DRDO के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड द गवर्नमेंट ऑफ डैश साइंड एन MOU टू सेटअप GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन टीम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट इन द स्टेट। ये कौन सी स्टेट है जिसने एक टाई अप किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ, ये एक GEM जो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है इसको सेटअप करेंगे इस स्टेट में, ये स्टेट है पंजाब स्टेट। पंजाब की और हरियाणा की दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़, और जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और जो गवर्नर है उनका नाम है वीपी सिंह बदनौर हैं पंजाब के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन गिवन नाइटहुड्स बाय थेरेसा मे इन हर रेजिग्नेशन ऑनर्स लिस्ट रिसेंटली? रिसेंटली थेरेसा मे ने एक जो अपने रेजिग्नेशन के तौर पर इन्होंने एक नाइटहुड अवार्ड दिया है, किसको दिया है ये अवार्ड मिला है दो पर्सन को, जेफरी बायकॉट और एंड्रो स्टोरस, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा सी ऑप्शन, जेफरी बायकॉट एंड एंड्रो स्टोरस, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस हैव टाइड अप विद विच कंपनी फॉर रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स? गुरुग्राम पुलिस है हरियाणा की, इन्होंने एक टाई अप किया है किस कंपनी के साथ, ये इनको प्रोवाइड करेंगे रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स, जो भी अपडेट होंगे इनको प्रोवाइड करेंगे, ये कंपनी है गूगल, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन, गूगल। गूगल के जो CEO हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनका नाम है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, पवन मुंजल विल बी इंडक्टेड इन टू द 2019 एशिया पैसिफिक गोल्फ हॉल ऑफ फेम, ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ विच कंपनी? पवन मुंजल को रिसेंटली हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है 2019 के, ये एशिया पैसिफिक हॉल ऑफ फेम होता है एक, ये किस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं? ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हीरो मोटोकॉप के, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा ए ऑप्शन, हीरो मोटोकॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय नीति आयोग टू सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल कैपेबिलिटी सेंटर?
कौन सा जो कंपनी है कौन सी सॉरी कंपनी है जिसको सेलेक्ट किया गया है नीति आयोग को द्वारा, ये सेटअप करेंगे इंडिया में फर्स्ट डिजिटल कैपेबिलिटी सेंटर, इंडिया में फर्स्ट डिजिटल कैपेबिलिटी सेंटर बनेगा, ये कौन सी कंपनी है जिसके साथ ये टाई अप किया है नीति आयोग ने, ये कंपनी है मैकिन्से एंड कंपनी, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन, मैकिन्से एंड कंपनी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, वेयर विल केरला सेट अप इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर इन कॉन्सोनेंस विद द यूएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इंडिया का फर्स्ट एवर वुमेन्स वुमेन ट्रेड सेंटर रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है केरला के कौन से प्लेस पर, ताकि जो यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको प्राप्त किया जाए यानी कि अचीव किया जाए, ये है केरला का एक जिला कोझिकोड, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन, इन अक्टूबर 2019 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज सेट टू रिसीव द फर्स्ट एवर ऑफ 36 रफाल फाइटर जेट्स इन अक्टूबर 2019 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसीव करेंगे जो 36 रफाल फाइटर जेट्स हैं, ये कहाँ से रिसीव करेंगे, ये रिसीव करेंगे पेरिस में, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन पेरिस, पेरिस लोकेटेड है फ्रांस में, फ्रांस की कैपिटल है फ्रांस पेरिस सॉरी, जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के उनका नाम है इमैनुअल मैक्रॉन, इमैनुअल मैक्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज सेकंड स्कॉर्पिन क्लास अटैक सबमरीन विच इज़ टू बी कमीशनड इन टू द इंडियन नेवी इन मुंबई इन सितंबर 2019। कौन सी इंडिया की सेकंड स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है जिसको सौंपा गया है मुंबई में इंडियन नेवी को, कौन सी है ये है INS खंडेरी, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन INS खंडेरी। अगर पूछा जाए सबसे पहली जो स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन थी वो कौन सी थी, उसका आंसर होगा INS कलवारी, जो बी ऑप्शन है हमारा, ये इंडिया की फर्स्ट क्लास सबमरीन थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ इनॉग्रेटेड साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर फार्म रिसेंटली। किस कंट्री ने इनॉग्रेट किया है साउथ ईस्ट एशिया लार्जेस्ट सोलर पावर फार्म को, इसको इनॉग्रेट किया है वियतनाम ने, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन वियतनाम, वियतनाम की कैपिटल है हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन, होम अमंगस्ट द फॉलोइंग एक्टर्स रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस। कौन सी एक्टर हैं जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है कांग्रेस से, ये कौन सी एक्टर हैं, ये एक्टर हैं उर्मिला मातोंडकर, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन उर्मिला मातोंडकर। अगर पूछा जाए ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ती थी, ये लड़ती थी मुंबई कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री साइन एंड MOU टू इन्हांस कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ सस्टेन्ड फिशरीज डेवलपमेंट। इंडिया और विच कंट्री ने एक MOU साइन किया है टू इन्हांस कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ सस्टेन्ड फिशरीज, जो फिशरीज है उसके सेक्टर में काफ़ी बूस्ट अप्लाएंगे, ये डेवलपमेंट करेंगे, ये कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने ये साइन किया है MOU, ये साइन किया है इंडिया ने आइसलैंड के साथ, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन आइसलैंड, आइसलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन, द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज़ डी रिकग्नाइज द, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने किसको डी रिकग्नाइज किया है यानी कि उसकी जो रिकग्नाइजेशन है वो कैंसिल की है, ये कौन सी कंपनी है, कमेटी है सॉरी, ये कमेटी है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, इसकी जो रिकग्नाइजेशन है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कैंसिल कर दी है। जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इंडिया के उनका नाम है किरण रिजिजू हैं इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इसकी जो मान्यता रद्द कर दी है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 नंबर क्वेश्चन, इन विच स्टेट द कैंपेन अगेंस्ट सिंगल यूज्ड प्लास्टिक बिगन ऑन 11 सितंबर 2019। द कैंपेन अगेंस्ट सिंगल यूज्ड प्लास्टिक कहाँ पर स्टार्ट हुआ है 11 सितंबर 2019 को, ये स्टार्ट हुआ है बिहार में, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन बिहार, बिहार की कैपिटल है पटना और जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल लॉन्च द स्पेशल मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम। कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है स्पेशल मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम, इसको लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट अनाउंस्ड इट्स मेडन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019। कौन सी स्टेट है जिसने अपनी जो फर्स्ट मेडन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसको अनाउंस किया है, ये अनाउंस किया है उत्तर प्रदेश ने, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर समिट इन डैश रिसेंटली। जो फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर समिट हुई है रिसेंटली सिविल एविएशन ने कंडक्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, कहाँ पर हुई है ये हुई है उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन देहरादून, देहरादून उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के जो
चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज जॉइंड हैंड्स विद डैश टू सेटअप एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इन मुंबई। स्किल्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है जो, इसने किसके साथ ज्वाइन अप किया है, ये एक सेटअप करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई में। ये किसके साथ टाइप अप हुआ है, ये टाइप अप हुआ है टाटा ग्रुप के साथ, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा बी ऑप्शन टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हैज ज्वाइंड हैंड्स विद एक्टिविस्ट अफरोज शाह टू क्लीन अप द रिवर डैश। कौन सी रिवर है रिलायंस इंडस्ट्री ने जिसके साथ एक ज्वाइन अप किया है, यानी कि ज्वाइंड हैंड्स किया है, दोनों मिलके किस नदी की सफाई करेंगे, ये कौन सी नदी है, ये नदी है मिथी रिवर, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन मिथी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एड्रेस्ड द इंडियन कम्युनिटी एंड फ्रेंड्स ऑफ इंडिया इन विच कंट्री। रामनाथ कोविंद जी ने किस कंट्री में जो इंडिया की कम्युनिटी है और उस कंट्री की कम्युनिटी है उसको संबोधित किया है, जो इनका तीन कंट्री का दौरा है आपको पता ही है, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, 9 डे की विजिट पर गए हैं रामनाथ कोविंद जी, ये किस कंट्री में संबोधित किया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा, इन्होंने ये संबोधित किया है स्विट्जरलैंड में, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो है बर्न, ये 14th प्रेसिडेंट हैं। अगर पूछा जाए कौन से प्रेसिडेंट हैं, ये रामनाथ कोविंद, ये 14th प्रेसिडेंट हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनका नाम है वेंकैया नायडू, ये हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट हैं। 13वें वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन, विद विच कंट्री इज द इंडिया आर्मी शेड्यूल्ड टू कंडक्ट अ मेजर एक्सरसाइज हम विजे इन अक्टूबर 2019। इंडियन आर्मी ने किस कंट्री की आर्मी के साथ एक एक्सरसाइज किया है जिसका नाम है हम विजे इन अक्टूबर 2019, ये कौन सी कंट्री है, ये कंट्री है चाइना, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन चाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आप ये क्वेश्चन जरूर देखोगे, 100% श्योर है ये क्वेश्चन देखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एट राय इन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। किसे अपॉइंट किया गया है चांसलर ऑफ हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, किसे अपॉइंट किया गया है जो है सोनीपत हरियाणा में। इस हरियाणा यूनिवर्सिटी के जो चांसलर बने हैं उनका नाम है कपिल देव, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन, डैश इज द ओनली बॉलर टू हैव टेकन टू हैट्रिक्स इन ए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। कौन से बॉलर हैं जिन्होंने दो हैट्रिक्स लिए हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये हैं लसित मलिंगा, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा सी ऑप्शन लसित मलिंगा। आप ये लिख के बताएं कमेंट में लसित मलिंगा किस कंट्री के प्लेयर हैं, देखते हैं कौन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस अप्रूव्ड 1680.5 करोड़ रुपीस लोन वाटर सप्लाई स्कीम फॉर। महाराष्ट्र जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने अप्रूव किया है 1680.5 करोड़ रुपए का लोन, ये किस कंट्री में जो पानी की समस्या है उसको सॉल्व करेंगे, ये पानी की समस्या सॉल्व होगी औरंगाबाद में, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा डी ऑप्शन औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन, हु विल बी द ऑफिशियल टीम इंडिया स्पॉन्सर, जो इंडिया की आपको पता ही है क्रिकेट टीम है उसके लिए कौन सी ऑफिशियल टीम बनी है जिसने स्पॉन्सर किया है। यहाँ पर ऑफिशियल टीम नहीं आएगा, यहाँ पर कंपनी आएगा, कंपनी किसने स्पॉन्सर किया है, इसको स्पॉन्सर किया है बाययूज़ ने, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन बाययूज़। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया की सबसे बड़ी एजुकेशन कंपनी कौन सी है, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा अगेन बाययूज़, ये इंडिया की सबसे बड़ी एजुकेशन कंपनी है, ये इंडिया की ऑफिशियल स्पॉन्सर टीम है इंडियन क्रिकेट टीम की 31 मार्च 2020 तक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल याद रखना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट एशियन नेशन टू अनवील प्लेन सिगरेट पैकेजिंग टू रिड्यूस द अपील ऑफ स्मोकिंग एंड कंपाइल विद WHO गाइडलाइंस। कौन सी फर्स्ट एशियन कंट्री बनी है जिसने सिगरेट पर जो लिखा होता है, जो प्लेन सिगरेट होती है उसको जो WHO ने रिकमेंड किया हुआ है उसको रिड्यूस किया है, यानी कि उनकी अपील को रद्द किया है WHO की, ये कंट्री है थाईलैंड, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा बी ऑप्शन थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, WHO का जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, और जो डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उनका नाम है टेड्रोस अदहानोम, और जो चीफ साइंटिस्ट हैं WHO के उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन, अ न्यूली मेक इन इंडिया ट्रेन पुलास्थीसी एक्सप्रेस रेक वाज फ्लैग्ड ऑफ इन डैश। इंडिया ने एक ट्रेन बनाई है जिसका नाम है पुलास्थीसी एक्सप्रेस ट्रेन, ये कंट्री किस कंट्री को सौंपी गई है ये ट्रेन सौंपी गई है श्रीलंका को, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा सी ऑप्शन श्रीलंका को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल याद रखना है। एक क्वेश्चन और याद रखना है, इसको किसने बनाया है, इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है किस कंपनी ने बनाया है इसको, इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमर्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड डैश इन द एटमोसफियर ऑफ द डिस्टेंस प्लैनेट कॉल्ड K2-18b। एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो, इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया है एटमोसफियर पर क्या चीज़ डिस्कवर किया है फर्स्ट टाइम, ये डिस्कवर हुआ है वाटर वेपर, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है मैत्री 2019, इंडिया ने किस कंट्री के साथ की है ये मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया ने सॉरी ये तो बताया हुआ है इंडिया ने किस कंट्री के साथ की है, ये इंडिया ने की है थाईलैंड के साथ। ये कहाँ पर हुई है यानी कि कौन सी सिटी ने होस्ट की है ये मैत्री एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को होस्ट किया है मेघालय ने, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, शिलोंग जो है ये इंडिया का 100th स्मार्ट सिटी है यानी कि 100वां स्मार्ट सिटी है शिलोंग। मित्र शक्ति होती है मैत्री से मिलती जुलती एक एक्सरसाइज, ये इंडिया करता है श्रीलंका के साथ, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, मैत्री करता है इंडिया थाईलैंड के साथ, मित्र शक्ति करता है श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन, विच इंडियन नेवी शिप्स मेड अ पोर्ट कॉल एट कोटा किनाबालू मलेशिया ऑन 12 सितंबर 2019 फॉर 3 डे विजिट। इंडियन नेवी का एक शिप है, जो कौन सा शिप है जो इंडिया का जो पहुंचा है मलेशिया में, जो पहुंचा है मलेशिया का एक प्लेस है जिसका नाम है कोटा किनाबालू, कोटा किनाबालू पर पहुंचा है, 3 दिन के विजिट पर गया है ये इंडिया का शिप, ये कौन सा शिप है इंडिया का नेवी का, ये शिप है INS सह्याद्री, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा बी ऑप्शन INS सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन, पेप्सिको इंडिया हैज़ रॉब्ड इन डैश एज द ब्रांड बेस्ट ऑफ इट्स सॉफ्ट स्पोर्ट्स ड्रिंक ब्रांड गेटोरेड। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड बेस्ट कौन बने हैं फॉर इट्स स्पोर्ट ड्रिंक ब्रांड जिसका नाम है गेटोरेड, इसके लिए इन्होंने किसको ब्रांड बेस्ट बनाया है अपना, ये बनाया है हिमा दास को, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा सी ऑप्शन हिमा दास। हिमा दास को बोलते हैं डिंग एक्सप्रेस, डिंग एक्सप्रेस बोलते हैं हिमा दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन, द DRDO हैंडेड ओवर द सेकंड एयरबोर्न वार्निंग प्लेन डैश टू द इंडियन फोर्स। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी, इन्होंने हैंडेड ओवर किया है यानी कि एयरफोर्स को कौन सा जो एयरप्लेन है वो सौंपा है, कौन सा है ये है नेत्रा, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन नेत्रा, ये सौंपा गया है इंडियन एयरफोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन, मेगन शूट स्क्रिप्ट हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू क्लेम टू हैट्रिक्स इन वाइट बॉल क्रिकेट, शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। ये इन्होंने फर्स्ट टाइम वुमेन बनी है जिन्होंने 2 हैट्रिक्स ली हैं, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, इनका नाम है मेगना शूट इनका नाम है, ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन, फिफा अंडर 17 वोमेंस वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन विच कंट्री फ्रॉम 2 to 21 नवंबर 2020। फिफा अंडर 17 का जो वर्ल्ड कप हुआ है होएगा 2020 में, इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, इसको होस्ट करेगा इंडिया, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन इंडिया। याद रखिए यहाँ पर अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप की बात की गई है, अगर आपसे पूछा जाए जो फिफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर होगा 2022 में, वो होगा कतर में, कतर की कैपिटल दोहा में होगा जो 2022 का जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा 2022 में, ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 नंबर क्वेश्चन, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह सॉरी होम मिनिस्टर रिसेंटली चेंज हुए हैं आपको पता ही होगा अमित शाह, इन्होंने लॉन्च किया है एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम जिसका नाम है सेवा सप्ताह, ये किस फेमस पर्सन की बर्थडे पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, सेवा सप्ताह लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के ऊपर, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी जी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल याद रखना है। अगर आपसे मैं पूछूं अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, ये क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, देखते हैं कौन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय इनको अपॉइंट किया गया है, ये कौन सी हाई कोर्ट की न्यू चीफ जस्टिस बनी है, ये एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं यानी कि जब तक न्यू इलेक्ट नहीं होते तब तक इन्हें बनाया गया है चीफ जस्टिस, ये हाई कोर्ट है सिक्किम हाई कोर्ट, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन सिक्किम हाई कोर्ट। सो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 1 से लेकर 15 सितंबर 2019 तक जो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस वीडियो सीरीज़ की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, इसका कारण है क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होती है, इतना होली चलेंगे तो इतने क्वेश्चंस कराने पॉसिबल नहीं होंगे, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा रहती है।
अगर अभी तक आपने हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो में कोई चीज़ गलत बोली गई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है और वीडियो लाइव होता है, इसलिए कुछ ना कुछ गलत ज़रूर बोला जाता है, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इसको। इसका सेकेंड पार्ट आएगा 31 सितंबर 2019 को, जिसमें हम 16 से लेकर 31 अक्टूबर तक सॉरी सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उनको स्टडी करेंगे डिटेल में। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है mohitgarg00989089089। आप इस आईडी को सर्च करेंगे या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो फेसबुक का पेज है उसका नाम है वाईफाई एजुकेशन पेज, वाईफाई एजुकेशन के नाम से आपने पेज को सर्च करना है, उसको लाइक ज़रूर करें। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।